अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आगे भी इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ये खबर सुनिए, क्योंकि काफी अहम खबर है। इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने युवाओं को सलाह दी है कि वो वर्क फ्रॉम होम के जाल से बचे रहे, उसमें ना फंसे। उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम उनके करियर को खत्म कर देगा, उन्हें आलसी बनाएगा, इतना ही नहीं तो अपने कॉम्पिटिटिव एज को खत्म कर भी सकता है। देखिए, इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने वर्क फ्रॉम होम की एक बार फिर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि रिमोट वर्क यानी ऑफिस से दूर रहकर घर से काम करना कभी सफल नहीं रहा है। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को युवाओं के लिए आलसीपन बताया है। नारायण मूर्ति का कहना है कि आज का मेहनती युवा वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में काम पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि घर के काम के साथ वो ऑफिस का भी काम करता है। नारायण मूर्ति ने मूनलाइटिंग यानी दो नौकरियां एक साथ करने की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि युवा इस जाल में न फंसे, मूनलाइटिंग युवाओं के करियर को तबाह कर रहा है, क्योंकि एक साथ दो नौकरियों की वजह से काम पर फोकस नहीं रहता है, साथ ही दो जगहों के काम का प्रेशर भी रहता है। ऐसे में युवाओं को मूनलाइटिंग से बचना चाहिए। नारायण मूर्ति ने पहले भी मूनलाइटिंग को धोखाधड़ी करार दिया था। कोविड महामारी के चलते देश में वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन के चलते कंपनियों का काम प्रभावित ना हो, इसलिए कई कंपनियों ने इस कल्चर को अपना लिया था। कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को ही तवज्जो दे रही हैं, जबकि कई कंपनियां इस कल्चर के खिलाफ हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चलते कंपनियों का काम प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ नौकरी जाने के डर से कर्मचारियों ने मूनलाइटिंग भी शुरू कर दी, क्योंकि मूनलाइटिंग कर्मचारियों के लिए इनकम का डबल सोर्स है, जिसका विरोध कई कंपनियां करती आई है। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति पहले भी दोनों कल्चरों के खिलाफ थे। इस बार उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को युवाओं के करियर ग्रोथ के लिए खतरा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।